ये दो दी भाई त्रेता वाला जो सीता को दोबारा वनवास दिलवा दिया था। कंस का दर्जी आया, इसने सबके वस्त्र फिट किए, श्याम सुंदर ने आशीर्वाद दिया, वहां से आगे बढ़े। मनसुखा बोलो बलराम भैया एक बात कहे, कहो तुम इतनी देर तक आगे चले कोई फायदा ही ना भाई। कन्हैया थोड़ी दूर आगे चलो देखो कितने अच्छे अच्छे कपड़ा मिलेंगे। बोले श्याम तुम ही आगे चलो। फिर आगे कर दिया, जिस गली में जा रहे थे उसी गली में कंस की दासी आ रही, एक हाथ में चंदन को कटोरा है, एक हाथ में लाठी है, लचे लचे आ रही, सुंदर गिरती रहा, सुंदरता की तो कुछ कहो ही मत। सारे गुरु को जोड़ी जाए और मैं ब्रह्मा जी ने श्याम सुंदर सामने पहुंच गए। बोले तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ जा रही हो? मैं कंस की दासी हूं, मैं कंस के तिलक करने जा रहा हूं। कन्हैया बोले मेहमान तो हम सब लोग हैं, पहले ऐसे करो हमारे सबके तिलक लगा। और जैसे ही जगही के सबके तिलक लगा, सो मनसुखा जो रहे मैंने लाठी उठाई, बहुत दूर खड़ू हो जाए भाई साहब आज लगाई। बोले तिलक तुम करवाइयो जो मेरे नजदीक ना चली आ, बता दे जाने कहां पे तो कोई बोल लायक हो चाहे ना हो सबसे बात करो। अब जो देखन में तो इतनी बुरी लगत है, हाथ छुए चलाना चले तू करो तिलक करवा लो, हम नहीं करवाए। श्याम सुंदर बोले कुबिजा और तो कोई तिलक करवाए ना, तुम ऐसा करो हमारे तिलक लगाओ। कुबिजा जो रहे तिलक लगाए के लिए तैयार भाई, उचक उचक के रह जाती, माथे तक पहुंच ही नहीं पाती। श्याम ने देखा कुबिजा तो बड़ी हैरान है, कुबिजा के पैर पर अपने पैर का अंगूठा रखा, थोड़ी से थोड़ा हाथ लगाया, जैसे झटका दिया खेल ही बदल गया। मोहन का हाथ लगाते ही को बड़ी मिट के छबिवान भई, हट गया यकायक परदासा मोहि दासी देवी समान भई। और जैसे कुबिजा सुंदर हो गई, मनसुखा ने देखी कुबिजा तो बहुत सुंदर हो गई है, लाठी उठाई सामने पहुंच गई। कन्हैया बोले कुबिजा और कोई तिलक करवाए ना, हमारे तिलक लगाओ तुम जा। मनसुखा बोलो कितनी जल्दी कह दी हमारे तिलक लगाओ और जा, तुम ही अकेले कंस के मेहमान हो, तो तुम्हारे पीछे घूमने वाले हैं, हमारे तिलक ना लगवाए। तो श्याम सुंदर बोले तुम तो कही रहे थे मेरे नजदीक ना चली आए। तो मनसुखा बोलो हमें मालूम कहाँ थी, इतनी जल्दी सब खेल ही बदल गए। बोले सब कितने लग लगा। और मनसुखा बड़ा सोना स्वभाव का था, कुबिजा जैसी तिलक लगाए के लिए तैयार भाई से वो पीछे हट गया। बोले रुके जा एक बात पूछे, पूछो। बोला हो तो ब्याला एक तुम्हारे बाप ने कहूं ढूंढो या ना। तो कुबिजा बोली बोली हे मनसुख तुम को खबर नहीं मेरे समय दूल्हा ठहरे Thank you.
जैसे ही कन्हैया की तरफ इशारा किया, मनसुखा बोलो हम तो वैसे पूछ ली, तुम जा चले गए। श्याम और बलराम उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर 18 तार लंबा धनुष रखा था। कन्हैया ने उस धनुष को तोड़ दिया, नंद बाबा के नजदीक आए, कंस को खबर दी, महाराज धनुष भी टूट गया। राज सिंहासन पर बैठ करके सभा को संबोधित करता हुआ बोला।